नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। अरविंद यादव उर्फ कालिका चौधरी ने कोरोना वायरस पर क्या बोल दिए। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, ब्यूरो चीफ बलिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में अरविंद यादव उर्फ कालिका चौधरी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मीडिया से बताया कि कोरोना वायरस पर हमारी पार्टी अच्छी पहल कर रही है। चौधरी यह भी बताया कि हम सरकार के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टॉप न्यूज बलिया। मैं अरविंद यादव और कालिका चौधरी, भारतीय जननायक पार्टी उत्तर प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष हूँ। अभी विश्व में जिस तरह से महामारी चल रही है और भारत में भी 10 दिन का लॉकडाउन हुआ है, अब 2 दिन में क्या समापन हो जाएगा, तो क्या आपके अनुसार लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? देखिए, इस महामारी में कोरोना का कोई इलाज नहीं है, अभी लॉकडाउन बढ़ना चाहिए और मैं इस समय सरकार के साथ खड़ा हूं और मैं सरकार को इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन गरीब जनता को भी ध्यान में रखा जाए। गरीब जनता भूखों मर रही है, रोड पर घूम रही है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि हमारा देश किसान प्रधान देश है और यहाँ बहुत गरीब लोग बास करते हैं, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो तंत्र है सही दिशा में काम नहीं कर रहा है और वो अधिकारी हैं जो जाति को आधार पर काम कर रहे हैं, सही तरीके से गरीबों को सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। लॉकडाउन हुआ है, बहुत असहाय लोग हैं जिसे रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, खाने कमाने वाले, अगर एक टाइम कमाएंगे तभी शाम को भोजन जाएगा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव जी, भारत गौरव माननीय संतोष यादव जी का आदेश है पूरे हम लोग कार्यकर्ताओं को, सबको ये कहें कि अपने क्षेत्र में आप लोग ये देखा करिए कि एक भी गरीब भूखे न सोए। तो हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में इतना मेहनत कर रहे हैं कि कोई गरीब भूखा नहीं सो पा रहा है। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों को ध्यान में रखते हुए, और हम लोग जितना संभव होगा हम लोग गरीबों का मदद करेंगे और हमेशा लगे हुए हैं। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से मानसिक संतुलन से खराब व्यक्ति और जमात में जो कांड हुआ, जो पूरे भारत से ज्यादा फैल गया, इसका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार की कमी है। जमात का कोई एक बपौती रोग नहीं है, ये तो रोग है, ये एक महामारी है, किसी को बकस नहीं सकती है। ये जो गोदी मीडिया है जो जात और धर्म के नाम पर बांटना चाहती है, इसमें सरकार का भी भूमिका है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की आज़ादी में मुसलमान भी कुर्बानी दिए थे और मुसलमानों के साथ ये धोखा सरकार कर रही है। सरकार जो गोदी मीडिया इसको जो दिखा रही है उसको तत्काल जेल भेजना चाहिए और कोई जात धर्म के नाम पर काम नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा महामारी पर क्या संदेश है? महामारी में पूरे देश के नागरिक और जनता एक साथ खड़ी है और महामारी से लड़ने के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार है और इसको भगाकर ही दम लेंगे, और हम लोग इस समय सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। क्या ये आप जिस फ्री राशन की है, तो क्या इस तरह कहीं सही तरीके से वितरण किया जा रहा है? कहीं सही तरीका से वितरण नहीं किया जा रहा है। मैं तो देख रहा हूं, अपने गांव में देखा कि 1 किलो में 700 यूनिट दिया जा रहा है, एक आदमी के ऊपर 700 यूनिट में 1 किलो में 700 मिल रहा है, 300 घोटाला कर दे रहे हैं और सही तरीके से कोटेदार बांट नहीं रहे हैं और प्रधान मिली भगत और अधिकारी इसमें लूटने पाटने का भी काम कर रहे हैं। गरीब जनता परेशान है, जिस पर इस सरकार को ध्यान देना चाहिए और राशन सही तरीके से बंटवाना चाहिए। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, जो गरीब है असहाय है उसको नहीं मिल रहा है, जिसके घर नौकरी है, खेती है, बारी है, वो राशन पा जा रहा है, जो वास्तव में खाने बिना मर रहा है उसको नहीं मिल पा रहा है। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से बेवजह लोग सड़क को घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद भी घूम रहे हैं, इसका क्या कहना है आप? देखिए, जनता घूम रहे जो जनता रोड पर घूम रही है वो गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए ऐसा।
और दूसरी बात की अगर कोई बीमार है, परेशान है, तमाम रोग है, ब्याध है, उसके लिए दवा के लिए जा रही है पब्लिक, उसमें भी परेशान, पुलिस जानबूझकर भी कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 से 9 बजे के बीच में अगर कोई जा रहा है अपना इलाज कराने के लिए, उसको भी पुलिस परेशान कर रही है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और प्रशासन का सहयोग जनता को करना चाहिए और बात को माननी चाहिए। जनता देश से बड़ा नहीं है, देश बड़ा है और देश को बचाना है और जनता को बचाना है, तो इसमें सरकार की बात माननी चाहिए और प्रशासन की भी बात माननी चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।